सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मॉली किचन। तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं बनाने जा रही हूँ मिल्क पाउडर का मोदक, जो बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही यमी है खाने में। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखें। मैंने एक पैन रख लिया है गैस के ऊपर में, और मैं इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डाल दूंगी। अब ये घी हमारा पिघल चुका है, इसमें हम 1 कटोरी दूध डाल देंगे। अब इसके अंदर मैंने 1/2 कटोरी देसी खांड जो होती है वो लिया है। आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं। जिस मेजरमेंट से हमने खांड ली थी उसी मेजरमेंट से हम ये मिल्क पाउडर लेंगे। हमें इसे लो फ्लेम में हिलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना आए। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम इसके अंदर 1/2 कटोरी सूखा नारियल डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। अगर आपके पास ये कोकोनट ना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और फ्रेश नारियल भी डाल सकते हैं। मुझे 7 मिनट लगे हैं इसे पकाने में। अब इसे हम बंद कर देंगे गैस के फ्लेम को और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम मोदक की स्टफिंग के लिए काजू लिया है मैंने, किशमिश लिया है और ये खजूर लिए हैं। इसे हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। मैंने काजू, किशमिश और खजूर को चॉप कर लिया है और इसे हम मिक्स करके एक इसके छोटे बॉल्स बना लेंगे। अब मैंने ड्राई फ्रूट्स के बॉल सारे रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसे लूंगी। ये स्टफिंग भी हमारी रेडी है और ये हमारा जो हमने मिल्क पाउडर का बनाया था मावा वो भी रेडी हो गया है। अब ऐसे एक बॉल बनाएंगे हम और ये सांचे के अंदर मैंने हल्की सी ग्रीसिंग कर ली है। अब इसे हम कर लेंगे बंद और इसके अंदर डालेंगे इसे, ऐसे अंदर एक कैविटी बना लेंगे हम और इस कैविटी के अंदर ये जो बॉल है ये इसे डालेंगे और ऊपर से इसे हम कवर कर लेंगे। कवर करके इसे प्रेस कर लेंगे अच्छा से। अब इसे हम ओपन करेंगे। हमारा मोदक रेडी हो गया है। इस तरीके से हम सारे मोदक रेडी कर लेंगे। हमारे मोदक तैयार हैं। गणपति जी को हमने भोग लगा दिया है। आप भी बनाएं और अपने गणपति बप्पा घर में जो बैठे हैं, आपके घर में विराजमान हैं, उन्हें भोग लगाएं और आप भी खाएं, सभी को खिलाएं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएँ। थैंक यू।